अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आने वाले हैं। तो हम आखिर इस दौरे की बात क्यों कर रहे हैं, ये दौरा क्यों बेहद खास है, इससे किन देशों को मिर्ची लग सकती है, दुनिया में अपना असर और बढ़ाने के वास्ते भारत के लिए इस दौरे की क्या अहमियत है, आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले अबू धाबी के बारे में कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। तो मिडिल ईस्ट में एक देश है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जो 7 अमीरात से मिलकर बना है। इनमें से एक अमीरात है अबू धाबी। इसी अमीरात का अबू धाबी शहर यूएई की राजधानी है। यूएई मिडिल ईस्ट का एक प्रभावशाली देश है और भारत लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश में लगा है। एक लंबा वक्त ऐसा भी था जब मिडिल ईस्ट के प्रमुख देशों का पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रहा और भारत के साथ उनके संबंध ठंडे पड़े रहे। हालांकि मोदी सरकार के दौरान चीजें बदली हैं। जैसे बात यूएई की ही करें तो साल 2015 में नरेंद्र मोदी ने वहां का ऐतिहासिक दौरा किया। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 1981 के बाद यूएई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पहले मिडिल ईस्ट के साथ भारत के व्यापारिक संबंध तेल के आयात और सस्ते श्रम के निर्यात से बयां किए जाते थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में द्विपक्षीय व्यापार में बदलाव आया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनकर उभरा है। दोनों देशों ने 2030 तक गैर तेल संबंधी द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $100 बिलियन का करने के मकसद से एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 तक आधे दशक में भारत में अमीराती निवेश कुल $9.8 बिलियन था, जो पिछले 5 सालों के आंकड़ों का लगभग 3 गुना था। यूएई का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड भारतीय बुनियादी ढांचे में $75 अरब का निवेश करने की बात भी कह चुका है। बात मिडिल ईस्ट के एक और देश सऊदी अरब की करें तो उसने भारत से $100 अरब निवेश करने का वादा किया है। भारत और सऊदी अरब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा और बिजली समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के मौके तलाशने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले इसे लेकर बातचीत भी हुई थी। मिडिल ईस्ट में कतर के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। पिछले दिनों वहां की अदालत ने जासूसी करने के आरोप में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी थी, मगर आखिरकार उनकी रिहाई हो गई, जिसे मोदी सरकार की बड़ी सफलता माना गया। भारत ने 2048 तक कतरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात के लिए $78 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मिडिल ईस्ट के प्रमुख देशों से नजदीकी और बढ़ने से भारत में विदेशी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। इससे मिडिल ईस्ट में बुनियादी ढांचे और तकनीक के क्षेत्र में भारत को चीन के सामने मजबूती से खड़े होने में भी मदद मिल सकती है। भारत की मदद से मिडिल ईस्ट को स्थिर रखने के लिए अमेरिका और उसके खाड़ी अरब साझेदारों की कोशिशों को भी बल मिल सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव गहराने की आशंका लगातार बनी हुई है। दरअसल भारत अपनी संतुलित विदेश नीति के लिए जाना जाता है, जैसे इस मामले में भी भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। व्यापारिक संबंध बढ़ने के साथ ही मिडिल ईस्ट में भारतीय प्रवासियों की संख्या भी बढ़ी है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक खाड़ी सहयोग परिषद के देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 90 लाख भारतीय समुदाय के लोग हैं, जबकि 2013 में यह आंकड़ा करीब 70 लाख था। यूएई में उसकी आबादी का 30% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। श्रमिकों के अलावा
हाल के सालों में बहुत से अमीर और मध्यम वर्ग के भारतीय भी यूएई, खासकर वहां के एक अमीरात दुबई में देखे जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने यूएई के गोल्डन वीजा का फायदा उठाया है, जिसने 2019 से योग्य पेशेवरों, उद्यमियों और निवेशकों को 10 साल तक रहने की सुविधा दी है। ये समावेशिता पर जोर देने की यूएई की कोशिशों को भी दिखाता है। इसी क्रम में वहां भव्य हिंदू मंदिर बना है, जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। यूएई ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन आवंटित की थी। भारत सरकार के मिडिल ईस्ट की तरफ कदम बढ़ाने के बाद एक अच्छा संकेत ये भी दिखा है कि बड़ी भारतीय कंपनियों को वहां बुनियादी ढांचे के कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफलता मिली है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका खाड़ी अरब देशों पर चीन का विकल्प तलाशने के लिए दबाव डाल रहा है, भारत और मिडिल ईस्ट के संबंधों में आगे के लिए प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC भी बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। IMEC में दो प्रमुख हिस्से होंगे। इसका पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। IMEC कॉरिडोर का मकसद एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण है। अब शायद आपको अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के भारत दौरे की अहमियत समझ में आ गई होगी। हाल ही में अबू धाबी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस का उद्घाटन हुआ है, जो खुद वहां के क्राउन प्रिंस ने किया है। फिलहाल उम्मीद यही है कि शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत दौरे से न सिर्फ भारत और यूएई के संबंधों को और मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत की धाक मिडिल ईस्ट में और बढ़ेगी।